नमस्ते वर्ल्ड, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ लॉन्च ऑफ ए न्यू पॉडकास्ट टॉपिक. बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है ये, एंड दिस इज अ न्यू टॉपिक बट समथिंग वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड अदर्स, एंड इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग, इट विल बी अ कंटिन्यूअस एफर्ट, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट एंड गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, एंड मेनी ऑफ यू कैन इवन मेक मनी आउट ऑफ दिस once you fully understand the nitty-gritties of it all. Today, I want to discuss about traditional, handmade, hand-woven, the ethnic clothing scene in India. So, ये podcast नया topic हम शुरू करने वाले हैं और आज उसी का एक introduction मैं देना चाहता हूँ कि क्या होगा इसमें, क्या expect कर सकते हैं आप लोग, और हर वीक एटलीस्ट वीक में एक या दो बार, एटलीस्ट एक बार तो जरूर मैं आपको हिंदुस्तान के कपड़ों के बारे में, स्पेशली साड़ीज, अबाउट द ग्रैंडियर, अबाउट द एम्बेलिशमेंट्स ऑफ इंडियन क्लोथिंग, एथनिक क्लोथिंग स्टाइल्स, आई विल ब्रिंग इट ऑल टू देम, एवरी क्वेश्चन दैट यू मे हैव इन योर माइंड. जब आप भारत और हिंदुस्तान या इंडिया क्या सोचते हैं उसके बारे में, ऑल यू थिंक इज अबाउट कलर्स, एंड व्हेन यू थिंक ऑफ कलर्स you are sure to think about the rich Indian clothing, especially the ethnic ones, traditional, handmade and handwoven. और आप देखें तो इस particular segment में कितने लोग involved हैं, lakhs and crores of people involved handmade clothing में, जो आपको पता ही नहीं है कितनी मुश्किल से बनाते हैं. जब आप खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि अरे इतना दाम, बट मैं कहता हूं एक बार आप उनको बनाते हुए देख लेंगे तो आप बोलेंगे कितना कम. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, द क्वालिटी ऑफ स्टाइल, द क्वालिटी ऑफ यू नो हैंडवर्क दैट दे डू इनटू ऑल दोस थिंग्स. विल ब्रिंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दैट. कैसे हमारे विलेज के रूरल आर्टिसंस, वीवर्स, सब लोग काम करते हैं, कुरियर वाले आप कैसे पहुंचाते हैं, दुकान वाले कैसे आर्टिसंस के पास से प्रोक्योर करते हैं, फिर वो आप तक कैसे रखते हैं, हजारों रिसेलर्स कैसे आपके पास अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स में, कलर्स में, ओरिजिनल स्टाइल में आपके तक वो सारी चीजें रखते हैं. तो ये सारी चीजें हम इसमें लेके आएंगे. इफ यू लुक एट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू टेक्नोपैक स्टडी, एथनिक वेयर इज द सिंगल बिगेस्ट कैटेगरी इन वुमेन्स वेयर सेगमेंट विद अ शेयर ऑफ 71%. एंड विद इन द एथनिक वेयर सेगमेंट द साड़ी इज परहैप्स द मोस्ट popular with an estimated market value of around 40,000 crores. So, aap sochiye. And this particular vertical market is expected to reach about 52,000 crores by 2027. So, you see, even from the business perspective, business things, if anybody is into this segment, he or she can only look at a growth. So, this way you can contribute not only to yourself, but also to the artisans, the women folk, the men folk, the country, the society, and to the country overall. You bring this service not only to the Indian people in India, but also Indians, lakhs and crores of Indians staying outside. You can bring that service to them, and also to outsiders. Also, you can bring them in contact with Indian culture, Indian tradition, Indian dresses. So, ये सारी चीजें आपको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत सारी चीजें हम आपके पास लेकर आएंगे with trade connected from all across all states, Rajasthan, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, kahan ki baat karo? From every corner, each state, union territory, every what you call district, which is known for particular product, we will try to bring information to you about that. Everybody involved into all that. To isi ko soch kar ye particular podcast ka segment shuru karne ka socha. आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजें हैं, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स आपके सामने निकल कर आएगा. और अब तो बहुत ज्यादा एक कंट्री वाली बात भी हो जाती है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का भी ऐलान किया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो उसमें हम लोगों को एक अलग तरह की खुशी होगी अगर हम अपने देश को अंदर से और मजबूत बना सके. जैसे मैंने एक नए स्टार्टअप एथनिक्स लैंड नाम के नए स्टार्टअप के लोगों से बातचीत की, तो उसमें वुमेन सेंट्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, हू इज ट्राइंग टू कम अप एंड ब्रिंग एथनिक क्लोथिंग टू द पीपल, टू द जनरल मासेस, एंड आल्सो टू द आउटसाइड वर्ल्ड.
तो वो लोग मेहनत काफी कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की तो बोला कि उन लोगों की बोला कि जितनी हमारे को कमाई से मतलब खुशी नहीं मिल रही है उससे ज्यादा हमको ये है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस होल कंसेप्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम वन स्टेट टू द पीपल ऑफ अनदर स्टेट. सो दिस इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू देम एंड दे आर लविंग इट एंड दे आर दैट इज दैट दे से दैट इज बूस्टिंग देयर मोरल. In the same way, there must be lakhs and lakhs of people, small organizations, women-centric organizations, which are, you know, this work is empowering them. We would want to talk to them. We would want to hear from them and bring about their stories for everybody. So, yahi kehna chahta hu, this is all. In this upcoming series, at least once a week, we'll bring you stories, information about how all this works from this vast universe of Indian ethnic clothing, the heart and soul of India, Bharat or Hindustan. Whatever you may want to call it. So this is it for today. I'm sure you will keep joining us for the upcoming episodes, which will have all the information about this. So all I can request at this point in time is, if you have not subscribed to our channel, whether it is on YouTube, Spotify or Spreaker or any other, please subscribe to Kaj Studio. And also feel free to write to us anytime at thekajstudio@gmail.com. I'm telling you, we'll love to hear from you. And I'm sure, I'll assure you that I'll surely respond to you. Also, anyone related to sharing any ideas, stories, artisans in this field, weavers, anyone who wants to share anything, feel free to drop a word on the podcast itself or the email shared just now. That is thekajstudio@gmail.com. So that is it. Friends, for now, have a good day. See you all soon. Namaste. Take care.